पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में कॉमन नागरिक उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ऋषभ पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर व अनुपम खेर। सोशल मीडिया पर भड़के लोग कर रहे हैं बुरी तरह ट्रोल। शुक्रवार तड़के सड़क हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी बीच अभिनेता अनिल कपूर व अनुपम खेर उनसे मिलने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। ऋषभ पंत से मिलने के बाद अनिल कपूर और अनुपम खेर ने मीडिया को बताया कि हम ऋषभ पंत से मिले, उनकी माता जी से भी मिले और लोगों से ये अपील करते हैं कि उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें। अनुपम खेर और अनिल कपूर के अस्पताल में ऋषभ पंत से मिलने पहुंचना कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक के बाद एक कमेंट्स की झड़ी लगा दी। किसने क्या कहा, आइए बताते हैं। समीर नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, इनको पूछो प्लीज, ये तो अमीर आदमी है, इनका खर्चा भी BCCI उठाएगी। आप कश्मीरी पंडितों का हाल जानने कब जाओगे कश्मीर? सत्यमेव जयते नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया। तथा कथित कश्मीरी पंडित अनुपम खेर पिछले महीनों में हुई कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या के बाद मृतक के परिवार को मिलने नहीं गए। थर्ड क्लास विवेक अग्निहोत्री की बात करना ही बेकार है। PS भंडारी नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, अनिल कपूर की कोई पिक्चर रिलीज होने को है क्या? एक शख्स ने अनिल कपूर और अनुपम खेर से कहा, वाह, कॉमन पब्लिक मरे तो मरे, मगर सेलिब्रिटी नहीं मरना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, नया साल है, सब देहरादून मसूरी घूम रहे हैं, सोचा चलो मिल भी लिया जाए ऋषभ पंत से। आपको बता दे, हाल ही में भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा खत्म करके लौटी थी, जहां पर ऋषभ पंत भी टीम का हिस्सा थे और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी T20 और वनडे सीरीज का पंत हिस्सा नहीं थे। उन्हें घुटने की एक इंजरी के चलते NCA में रिहैब के लिए जाना था। इसी बीच उनके पास कुछ समय था तो वो दिल्ली से अपने घर अपनी माँ को नए साल पर सरप्राइज देने के लिए खुद ही कार चलाकर जा रहे थे। शुक्रवार सुबह गाड़ी चलाते समय उनकी आंख लग गई और रुड़की के पास गाड़ी के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में उन्हें माथे, पीठ और पैर में चोटें आई है। BCCI ने उनके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर अपडेट दी है। आप अनुपम खेर और अनिल कपूर के रैंडम मुलाकात को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती।